नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीवी न्यूज में। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन विपक्ष ने सरकार को महू की घटना, ओलों से तबाह फसल और 10वीं 12वीं के पेपर लीक होने पर घेरा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि 20 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की फीस वापस की जाए। ओलों से किसान बर्बाद हो गए, अब तक सर्वे शुरू नहीं हुआ। राजस्व अधिकारियों की हड़ताल रोकने के लिए सरकार ने कोई पहल नहीं की। कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर वॉकआउट करती है। बता दें कि कांग्रेस के वॉकआउट पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ये तरीका ठीक नहीं, बिना जवाब सुने वॉकआउट करते हैं। इनके दोनों नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक भी खेत में नहीं गए, ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रश्नकाल के बाद सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, थोड़ी देर बाद फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे डीवी न्यूज के साथ।